अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 26 जनवरी यानी यौमी जमहूरिया की तकरीबात पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जम्मू के एमए स्टेडियम में मार्च पास पर सलामी लेंगे, जबकि श्रीनगर में इसी तरह की तकरीब की सदारत मुशीर आर पठानगर करेंगे, जबकि जम्मू और कश्मीर के दीगर इजलाए में जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरपर्सन अपने मुतलका इजलाए में सलामी लेंगे और सब जिला और म्युनिसिपल हेडक्वार्टर पर ब्लॉक तरक्याती कौंसिल के चेयरपर्सन और म्युनिसिपल बॉडीज के सदर तकरीब की सदारत करेंगे। यौमी जमहूरिया की तकरीबात जम्मू और श्रीनगर में हिफाजत के गैर मामूली इंतजाम। श्रीनगर में शबाना गश्त बढ़ा, रात में हाई सिक्योरिटी कैस पर गाड़ियां, शहर की सड़कों पर शहर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम और जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के गिर ड्रोन निगरानी में इजाफा। कहीं इलाकों में बारिशें तो कहीं पर हुई ताजा बर्फबारी। आज से 29 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा, महकमा मौसमियात। कोविड हफ्तावार लॉकडाउन का तीसरा दिन, शहरी श्रीनगर और दीगर कस्बे जात में मामूल की जिंदगी मुतासिर। दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद, अक्सर व बेशतर सड़कें सनसान वीरान नजर आए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी इंतजामिया मुतहरक, कहीं मुकामात पर जुर्माना भी वसूल। शूटिंग सुटून घर आने के बाद श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त बंद। आज सिर्फ दरमंदा गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत होगी, ट्रैफिक हुकाम। दसवीं और बारहवीं जमात के इम्तिहानी नतीजे के ऐलान माह फरवरी के पहले से दूसरे हफ्ते तक मुतवक्का, बोर्ड हुकाम। जम्मू में यौमी जमहूरिया के मौके पर मरकजी तकरीब एमए स्टेडियम में मुनक्कद होगी, इसके लिए इंतजामिया और पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी है। ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है ताकि लोगों को पंडाल तक पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। खवातीन पर तशद्दुद के मामले में फ्रांस सबसे खतरनाक मुल्क। नए साल 2022 ईस्वी के आगाज पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 ऐसे खवातीन मुर्दा पाए गए। वादी कश्मीर में करीब 60% से ज्यादा जरिया राजी अब खत्म हो चुकी है। तामीराती सरगर्मियों के अलावा ईंट के बट्टों और दीगर कामों के लिए जरिया राजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान माहरीन ने बताया कि हम लोग अपनी आने वाली नस्लों को जरिया सरगर्मियों और अनाज से महरूम रखने का सामना खुद ही तैयार कर रहे हैं। जेली साह की सरकारी और नीम सरकारी अदारों के लिए दर्द सर। फेसबुक और व्हाट्सएप जर्नलिस्टों ने इंतजामिया और दीगर महकमे जात के अफसरान की नींद हराम कर दी है और आए रोज जिला अफसरान और दीगर सरकारी अदारों के अफसरान को ब्लैकमेल करने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सरकारी अफसरान काफी परेशान हो गए हैं, जिन्होंने इस सिलसिले में साइबर क्राइम से अपील भी की है कि वो इस तरह के नकली साक्ष्य
हलकों की नकेल खिसकने के लिए इकदाम उठाए। ऐसे जेली साथियों में कई सरकारी महकमों में काम कर रहे मुलाजमीन भी जो सरकारी खजाने से तनख्वाही हासिल करते हैं लेकिन ड्यूटी पर कभी नहीं हाजिर होते हैं। शुमाल व जुनूब के दर्जनों देहात में बिजली की आंख मचोली से लोग परेशान। बिजली न होने की वजह से एक दर्जन से जायद इलाके गुप्त अंधेरे में। महकमे खामोश तमाशाही। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में मौजूदा सैलानियों के चेहरे खुल उठे। सियाहत से जुड़े अपराध की उम्मीदें भी जाग उठे। इन साल बेहतर सियाहती सीजन की कर रहे हैं उम्मीद। दीजिए अपने मेजबान मजीद शीरी और कश्मीर प्रेस सर्विस के पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज़।